नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे वो नवनिर्वाचित कहाँ हैं, वह तो लूट करके और जो है सीधे निर्विरोध बन गए हैं, उसमें निर्वाचन शब्द कहाँ आता है? वह निर्विरोध है, लूट करके बने हुए हैं, उसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग क्यों करा रहे हैं आप बताइए? आप उनके विरुद्ध चुनाव लड़े थे जी, क्या षड्यंत्र रहा, कैसे क्या? हमारे विरुद्ध मैं चुनाव लड़ा था और पूरी तरीके से पूरे चुनाव में यहीं खड़े हैं सी ओ सी टी सब लोग हैं, पूरे तरीके से इस चुनाव को उन्होंने लूट लिया। उन्हीं का विद्यालय जहाँ मतगणना मेरी कराई गई, उसी विद्यालय में जिसमें उनका विद्यालय वहाँ मतगणना हुआ, और इस तरह से अपने विद्यालय के कर्मचारियों को लगा करके वो फर्जी काउंटिंग की गई। मैं बार बार रोता रहा, कहता रहा, मेरी बात न कलेक्टर ने सुना, न कप्तान ने सुना, न वहाँ का दरोगा ने सुना। कोर्ट में गए थे, कोर्ट का क्या? कोर्ट में मैं गया हूँ और कोर्ट में अपनी बात को रखा हूँ, और कोर्ट ने 27 तारीख लगाया है, कोर्ट में मैं लड़ूंगा। जब न्याय नहीं मिल पाता है सत्ता के, सरकार और शासन से, तो आदमी का एक ही रास्ता है कि कोर्ट में जाए, और कोर्ट में मैं गया। कोर्ट में 27 को तारीख लगी है, आप निर्वाचन कर रहे हैं, वो निर्वाचन हुआ ही कहाँ है? वह तो लूट करके कोई डकैती डाल के बन गया। 20 तारीख लगी है, 20 तारीख। तो वो अभी को लोग कह रहे हैं कि आपराधिक है, अपराधियों पर बोल रहे हैं। कौन? कोई मनोज रहा कि अपराध खत्म हो गया। अपराध कैसे खत्म हो गया, आप क्या बोलवाना चाहते हैं? ये ही है यहाँ के लोग, शासन के लोग, प्रशासन के लोग जानते हैं कि उनके ऊपर कितना मुकदमा है। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं हमसे क्या बुलवा रहे हैं, 16 मुकदमे हैं उनके ऊपर, कहाँ अपराध खत्म हो गया? जब बात हो रही है यहाँ, वो कह रहे हैं कि मऊ जनपद में कल्पनाथ राय वाला विकास लाल, कल्पनाथ राय का विकास जिला पंचायत से नहीं लिया जा सकता है, जो लूट करके कोई जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाए। कल्पनाथ राय 27 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और केंद्र में मिनिस्टर थे, और बड़ी बड़ी योजना आयोग से योजनाओं को लाते थे, वो कैसे विकास कर लेंगे? अब आप कह दीजिए कि एगो गड़ा ही बा, उसको आप समुद्र से तुलना करिए। कल्पनाथ राय समुद्र थे, राजनीति के विकास के समुद्र थे, वो योजनाओं को लाते थे, अब करते थे, आप उसकी तुलना एक गड़ाही से कर दीजिए आप। गजब आप जो है भाई, ये कैसे हो सकता है? क्या है जिला पंचायत में एक ही आदमी क्यों है कि उनका विरोध करने लगे के पारे? मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, मैं उनके तरीके का विरोध करता हूँ, उनके लड़ने के तरीके। भाई लोकतंत्र में हमको भी लड़ने दीजिए, क्यों मेरे आदमी अशोक चौहान को धमकी दी गई, क्यों मुझको दरोगा द्वारा परेशान कराया गया? जो कोपागंज का एसओ है, एक नंबर का, जिले में सबसे भ्रष्ट यदि कोई एसओ है तो कोपागंज का है। उसने मेरी गाड़ी चेक किया, मुझको बार बार परेशान करता था, मेरी गाड़ी चलने नहीं देता था, तो यह परेशान कराया जाता था सत्ता और शासन के द्वारा। मैं उनका विरोध थोड़े कर रहा हूँ, उनके तरीके का विरोध कर रहा हूँ, जिस तरीके से जीते राजनीतिक रूप से लड़ते रहेंगे। मैं हमेशा लड़ा हूँ, लड़ता, मैं जालिम कलेक्टर दिनेश सिंह से लड़ा, संघर्ष का ही मेरा पहचान है, मैं लड़ाई तो हमेशा लड़ता रहता हूँ। मैं कोई नया आज का नेता थोड़े हूँ कि मैं लड़ना तो मेरा, जब तक जियेंगे तब तक लड़ेंगे।